Welcome to the channel Advanced Excel for Advancement Classes. Today we will cover chapter number 20 and the chapter name is Consolidate. So दोस्तों देख सकते हैं डेटा आपके सामने है. First sheet है मेरी January की and the second sheet is February और last sheet आती है मेरी total. अब मैं चाहता हूँ जो January का मेरा डेटा है name, sale, finance. Finance में मेरे को cost दे रखी है, sale की cost दे रखी है. ऐसी से मेरे पास February की है sale की cost और finance की cost. मैं चाहता हूँ मेरा यहाँ पर डेटा टोटल आ जाए तो उसके लिए आप इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला तो यूज़ नहीं करेंगे. तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन एक काम आता है कंसोलिडेट. तो वो ऑप्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप रिबन में जाएंगे. रिबन पे क्लिक करने के बाद कंसोलिडेट पे आपने क्लिक करना है. जैसे कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे, मैंने पहले इसके अंदर रेफरेंस दे रखी थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. अब मुझे यहाँ पर रेफरेंस देनी है. गाइस ध्यान रखिएगा, फंक्शंस के अंदर आप काउंट, एवरेज, मैक्सिमम अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं. आप सम पे क्लिक करेंगे, देन आप रेफरेंस देंगे इसमें. मैं पहले रेफरेंस दूंगा जनवरी की. जनवरी में पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ. सेलेक्ट करने के बाद मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और पहली वाली रेफरेंस मैं डिलीट कर दूँगा. देन मैं सेकंड रेफरेंस पे जाऊँगा, फरवरी वाली रेफरेंस पूरी सेलेक्ट करूँगा. सेलेक्ट करने के बाद दोबारा मुझे इसमें ऐड पे क्लिक करना होगा. जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा दोनों मेरी रेफरेंस जो है ऐड हो जाएगी. देन ध्यान रखिएगा यूज़ लेबल इन पे आप अगर आप टॉप रॉ पे क्लिक करते हो लेफ्ट रॉ पे तो आपकी दोनों साइड और साइड की जो हेडिंग है और टॉप रॉ की जो हेडिंग है वो साथ में डेटा के आएगी. अब आप जैसे ही ओके पे प्रेस करेंगे दोस्तों देखिएगा आपका डेटा यहाँ पर मर्ज हो जाएगा. देख सकते हैं यहाँ प्लास्टिक का मेरे सेल कॉस्ट आ चुकी है. मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ. देख सकते हैं सेल मेरी यहाँ पर थी 500 प्लास्टिक की और फरवरी में थी 895. तो टोटल इसका देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट रहा है 1395. क्लियर है दोस्तों? सो दोस्तों मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स को शेयर करिएगा ताकि वो ये एक्सेल सीख सके. सो थैंक यू सो मच गाइज़.